नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी, संजय गुप्ता को पड़ सकती है भारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा मामले की जांच की जाएगी। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर लगाया था गंभीर आरोप। मदन कौशिक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया था। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक को बीजेपी से निकालने की भी मांग की थी। तो विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन गंभीर आरोपों के बाद अब ये कहा जा रहा है कि संजय गुप्ता को ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहां प्रदेश अध्यक्ष पर सीधे तौर पर उन्होंने पार्टी से विरोध करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। तो लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाया था। मदन कौशिक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगा था। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक को बीजेपी से निकालने की मांग भी की थी। तो लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने जिस तरह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप मदन कौशिक पर लगाया था, यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद जांच की बात कही है। चुनाव के अगले दिन यह गंभीर आरोप बीजेपी के विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगाया था, जिसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ने लगा। वहीं विपक्ष भी इस मामले पर हमलावर था। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, एक बहुत बड़ा आरोप यहां पर लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगाया था और अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल चारुल, क्योंकि चुनाव से पहले, मतदान से पहले भी हमने देखा था कि जो संजय गुप्ता जो कि विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर जनता के सामने एक तरह से वो रोने लगे थे और जनता से वोट की भीख मांगने लगे थे। उन्होंने कहा था कि कुछ भी कर लो, कितनी भी नाराजगी हो मेरे प्रति, लेकिन मुझे ही वोट देना। तो और आंसू भी निकाले थे उन्होंने और लगातार उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो अपनी जो विधानसभा सीट लक्सर है वो हार रहे हैं। और जब मतदान हो गया, मतदान में भी उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके पक्ष में वोट कम पड़े हैं, तो अब अपनी हार का ठीकरा, उनको जो हार का अंदेशा हो रहा है उसका ठीकरा जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सर फोड़ रहे हैं। और लगातार हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो बागी उम्मीदवार हैं और बहुत सारे ऐसे जो भीतरघाती हैं उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी अब जल्द कार्रवाई करने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि हालांकि पहले जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब उनके पास सारे इनपुट्स आ गए तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष सर्वोच्च पद होता है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ इस तरह का वक्तव्य देना यह अशोभनीय है। और जल्द ही पूरी इसकी जाँच करके हो सकता है कि संजय गुप्ता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। रोहित, विधायक ने जिस तरह से ये आरोप लगाए थे कि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इन आरोपों का आखिर आधार क्या था? क्या ये मान लिया जाए कि संजय गुप्ता को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि जनता शायद उनका साथ नहीं देगी, इसलिए उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए, या फिर कोई अन्य वजह है? ये देखिए चारुल, अगर उनको आरोप लगाना था तो मतदान के बाद ही आरोप क्यों लगाया, या फिर मतदान से पहले ही संगठन के तमाम जो बड़े नेता हैं या फिर दिल्ली हाईकमान से इस बारे में शिकायत क्यों नहीं की अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा था? अब चूंकि मतदान हो गया है, मतदान में उनको ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे प्रति जो है जनता का जो रुझान है वो कम हुआ है, अब उसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर अब वो छींटाकशी कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनको हार का डर लग रहा है। और इस आरोप का कोई आधार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 60+ सीटें चुनाव में लाने की बात कर रही है और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसके विधायक को वो खुद हराए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बजाय विपक्ष में बैठे। तो ये आरोप जो है फिलहाल जो है इसे निराधार कहा जा सकता है। इस तरह निकलकर सामने आती है। रोहित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
इधर लक्सर विधायक संजय गुप्ता के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद से बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। इस बीच पार्टी जिलाध्यक्ष जयपाल चौहान ने लक्सर के 4 बीजेपी नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। अपने निष्कासन पर इन नेताओं का क्या कहना है, संजय गुप्ता को चुनाव में अपनी हार का अंदेशा है और इसीलिए वो हम लोगों पर और प्रदेश अध्यक्ष पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिस कार्यकर्ता हम कार्यकर्ता संजय गुप्ता जी के लिए वोट मांगने जा रहे थे, मगर जनता का एक भी कार्य नहीं किया, इसकी वजह से आक्रोश इतना था कि हमारी सीट पर भी दाव खेला जा रहा था। और संजय गुप्ता जी ने अपना खुद कबूल किया कि मैंने 4.5 साल कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए वो खुद स्वयं अपना हार का कारण बन रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता नहीं। अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारी माँ से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और जो हार का ठीकरा अभी कुछ नहीं है, अभी तो पेटी में बंद है। और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं, अगर वो उन्होंने जो विकास किया है वो अपना किया, अपने कारणों से वो हार रहे हैं। यह आरोप लगाने वाले अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कुछ जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक जी के द्वारा जो प्रायोजित कुछ लोग थे जो शुरू से ही पार्टी विरोधी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सदैव प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में और पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में स्वयं विधायक जी भी, और वो भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं, चाहे पुराने मुख्यमंत्री जी का वो झोटा बिरयानी वाला विवाद हो या प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में भी जैसा उन्होंने कल कहा है, उन्हें गद्दार बताया। तो ये विधायक जी का फ्रस्ट्रेशन है, जनता के बीच वो नहीं रहे, उनका अपने कर्मों की वजह से शायद उन्हें लगता हो कि वो हार रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, एक तरफ विधायक गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, यहाँ इन लोगों को निष्कासित किया गया है और साफ कह रहे हैं कि विधायक अपनी वजह से हार रहे हैं लेकिन ठीकरा हम पर फोड़ रहे हैं। चलिए संजय का रुख करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता जो कि लक्सर से विधायक है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे प्रदेश अध्यक्ष पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि इस बीच पार्टी जिलाध्यक्ष जयपाल चौहान ने लक्सर के 4 बीजेपी नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। निष्कासन पर इन नेताओं ने इसका सीधा ठीकरा विधायक संजय गुप्ता पर ही फोड़ा। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले हम रुक करते हैं संवाददाता रोहित का। रोहित, जिस तरह हम और आप बातचीत भी कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा आरोप यहां पर बीजेपी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया, वो पार्टी जो सत्ता में बनी हुई है, ऐसे में इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने जांच की बात कही और एक और तरफ तीसरा पहलू यह है कि यहां निलंबन भी शुरू हो गया है, निष्कासन भी शुरू हो गया है। चारुल, एक बात बहुत, ये आरोप भी बहुत गंभीर है और एक बात समझने वाली ये है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े नेता उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने आते हैं और 60+ सीटें जीतने का दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा CM 60+ सीटें जीतने का की बातें करते हैं, तो ऐसे में ये संजय गुप्ता का जो आरोप है वो एक तरह से निराधार इस वजह से लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, एक तरफ तो वो ये कहता है कि 60+ सीटें दोबारा जीतकर हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे और लगातार जो है जनसभाएं, विजय संकल्प यात्रा और तमाम अन्य प्रकार की यात्राएं निकलती हैं, तो ऐसे में इस प्रकार का आरोप लगाना एक तरह से निराधार ही लगता है क्योंकि अगर इस प्रकार का उनको कोई अंदेशा था कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार का कोई कृत्य कर सकते हैं, तो इसके पहले, मतदान से पहले जो है चुनाव प्रचार के समय जब तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड आ रहा था, संगठन के बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे थे, इस बात की जानकारी संजय गुप्ता ने उन नेताओं को क्यों नहीं दी, उन बड़े नेताओं को क्यों नहीं दी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने संपर्क क्यों नहीं किया, तो अब साफ तौर पर क्योंकि मतदान के दिन भी बहुत सारे जो प्रत्याशी होते हैं
उनको आभास हो जाता है कि कितना जनता ने उनके पक्ष में वोट किया है, और इसी वजह से अब उनको लग रहा है कि वो लक्सर सीट से हार रहे हैं और अब हार का ठीकरा जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अब लिहाजा इनके ऊपर अनुशासन। रोहित आप बने रहिए, संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्सर से, हरिद्वार से। संजय, लक्सर में बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं और सबसे अहम चीज है कि हम जिस तरह ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। चलो निश्चित तौर पर ये हरिद्वार की लक्सर विधानसभा का मामला है, जहां पर जो संजय गुप्ता है वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर, विपक्षी दलों के साथ मिलकर उन्हें हराने का काम किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है संजय गुप्ता और यहाँ बसपा के जो प्रत्याशी है वो शहजाद है, और इन्हीं दोनों की आपस में एक कड़ा मुकाबला था। और आपने देखा है कि बीते दिनों जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि उस वीडियो वायरल होने के बाद जो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, उन्होंने एक कार्रवाई की भी बात कही है, और अब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें एक भूचाल सा आ गया है। और जिस तरह से पार्षद है और सभासद है, तमाम तरह की चर्चा बनी हुई है कि यह एक ना हमारे सर फोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीट इस पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अंतरिक्ष सैनी थे, और जो बसपा के प्रत्याशी थे वो शहजाद थे, और भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रत्याशी संजय गुप्ता थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनको हार का डर सता रहा है। उसके बाद अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि इसकी अब गहनता से जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई उसके बाद होगी। जी चारुल, बिल्कुल संजय आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे तक सचिवालय में शासकीय कार्य करेंगे। सचिवालय से धामी 1:40 पर वापस मुख्यमंत्री आवास लौट आएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के जो कार्यक्रम है वो आपको बता दें, हर रोज की तरह वो सचिवालय में पहले जो शासकीय कार्य है वो देखेंगे, जनता से भी कहा जा रहा है कि जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण करते हैं, और उसके बाद वो वापस लगभग 2 बजे मुख्यमंत्री आवास चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल का बड़ा बयान सामने आया है, उत्तराखंड अब निर्माण का अभियान जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल, मतदान के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों का कोठियाल दौरा कर रहे हैं। 6 किलोमीटर पैदल चलकर गंगोत्री के कामर गांव पहुंचे थे कर्नल कोठियाल। तो आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल को सीएम फेस बनाया है, और यहां पर देखिए मतदान के बाद भी लगातार जनता से मिल रहे हैं, ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती को जमानत मिल गई है। हरिद्वार की एक लॉ की छात्रा ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। 15 जनवरी को यति नरसिंहानंद को किया गया था गिरफ्तार। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं स्वामी यति नरसिंहानंद। धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में यति नरसिंहानंद गिरी को जमानत मिल गई है। बता दें कि धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषण में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, संभावना है कि आज इनकी जेल से रिहाई हो जाएगी। हरिद्वार की एक लॉ छात्रा ने 12 जनवरी को गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद इन्हें 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल राहत मिल गई है और माना जा रहा है कि रिहाई भी जल्द हो जाएगी। यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो मामला चल रहा था उसमें एक बड़ी राहत। द्वार में एक वेद निकेतन में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था,
जिसमें हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए यहाँ पर देश भर के साधु संत पहुंचे थे और वक्त बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उप जितेंद्र नारायण त्यागी भी यहाँ पहुंचे थे। हालांकि यहाँ भड़काऊ भाषण का इन पर आरोप लगाया, जिस तरह से धर्म संसद के अगले दिन एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें एक व्यक्ति विशेष ने एक तहरीर दी थी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। हालांकि बीते दिनों जितेंद्र नारायण त्यागी को भी हरिद्वार के नॉर्थन बॉर्डर से गिरफ्तार किया था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद हरिद्वार में साधु संतों ने आक्रोश दिखा था। हालांकि एक घाट पर कहीं ना कहीं एक लगाया हुआ था, उसके बाद से यहाँ से इनको गिरफ्तार किया था। अब इनको कहीं ना कहीं रिहाई मिल गई और साधु संतों के लिए कुछ खुशखबरी है। साफ देखा जा सकता है कि साधु संत कहीं ना कहीं उत्साह है क्योंकि रिहाई के बाद आज इनको कहीं ना कहीं जेल से रिहाई भी मिल जाएगी। जी चारुल, संजय सबसे अहम चीज है कि ये मामला जो है ये ऐसा पड़ गया था जिस पर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही थी और खासकर धामी सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि संतों की भूमि में एक संत ही जेल में है, इसे किस तरह से देखा जाए। तो इसमें भी माना जा रहा है कि अब संत समाज में भी एक खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल चारों, निश्चित तौर पर आपने देखा है कि बीते दिनों धामी सरकार ने जैसे ही देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला था वो भंग कर दिया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं धर्म संसद के हुई इस घटना के बाद जो साधु संत आक्रोशित थे, हालांकि इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ एक जन आंदोलन भी चलाया था और कहीं ना कहीं जिस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव का समय था कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव पड़ा था। लेकिन अब जैसे जैसे इनकी रिहाई हुई है तो आपने देखा है कि किस तरह से जो साधु संत है वो उत्साहित है और आगे भी कहीं ना कहीं जज ने इनको एक कहा है कि आगे के लिए चेतावनी दी है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर देहरादून के चंद्रबनी में पार्षद सुखबीर बुटोला के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। श्वान की डंडों से पीटकर हत्या करने के आरोप में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने पार्षद सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चंद्रबनी स्थित शिव मंदिर कॉलोनी में एक श्वान लोगों को परेशान कर रहा था, ऐसे में कुछ लोगों ने डंडे से पीटकर उसे मार डाला। श्वान की हत्या की सूचना पर कई पशु प्रेमी संगठन एकत्रित हुए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पार्षद सुखबीर बुटोला समेत उनके एक मित्र के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। चंद्रबनी में एक एरिया है, शिव टेंपल, शिव जी का मंदिर है एक, वहाँ के लोकल एक पार्षद हैं सुखबीर बुटोला और वहाँ पर एक शर्मा जी करके हैं जो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो उस छोटे से बच्चे ने, मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने उसकी उम्र रही होगी, उसने एक छोटे से बच्चे को आते जाते काट लिया क्योंकि वो पत्थर मार रहा था। तो कुत्ता जो श्वान है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा ही। तो जो उसके पेरेंट्स थे बच्चे के, उन्होंने जाके लोकल पार्षद को शिकायत की। तो शर्मा जी और लोकल पार्षद जी ने मिलकर ये बहुत अच्छा सा प्लान बनाया कि इस कुत्ते को ही मरवा दिया जाए तो बवाल ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। विद इन हाफ एन आवर 4 बंदे बुलाए गए, उन्हें शराब की बोतलें पिलाई गईं और उन्होंने पीट पीट कर भोलू को, जब वहाँ नहीं मरा भागा तो स्कूटर के पीछे से निकाल कर उसको बहुत बुरी तरह से पीट पीट कर। संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, आज भी देखने को मिल रहा है कि इंसान तो हर कोई बन गया है लेकिन इंसानियत की कमी देखने को मिल रही है, और यहाँ ये जो पार्षद है, ये जो हरकत की गई है, इस पर क्या फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया है? जी देखिए चारुल, चंद्रबनी का ये मामला एक श्वान है, पशु था जो लगातार जो है लोग उससे वो कई लोगों को परेशान भी करता था और मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था, और जो चंद्रबनी के जो पार्षद हैं सुखबीर बुटोला, उनके साथ 2 अन्य लोगों ने उस श्वान को डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी है। और फिलहाल जो पशु प्रेमी हैं उन्होंने पुलिस में तहरीर दायर की है। पुलिस फिलहाल कह रही है कि जल्द से जल्द इन सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो स्थानीय लोगों ने भी पुलिस में शिकायत की है कि इस प्रकार की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के मामले जो है चंद्रबनी में सामने आ चुके हैं। सुखबीर बुटोला के ऊपर इस प्रकार के आरोप पहले भी लग चुके हैं। तो पुलिस कह रही है कि इसकी जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया।